वेलकम टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी करेक्टर्स, जहाँ पर मैं ओरिजिन ओरिजिन स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ ब्लैक मैंटा, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर निजाम नादवी ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट करेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी जल्दी इस पर वीडियो लेने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। ब्लैक मैंटा की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी दी कॉमिक एक्वामैन इशू 35 सितंबर 1967 में। तो ये बहुत ही पुरानी कॉमिक है जिसमें चीजें काफी डिफरेंट है, क्योंकि इस कॉमिक में अटलांटिस एक बबल के अंदर रहता है एंड उस बबल के ऊपर से एक अननोन शिप गुजरती है जिसको इन्वेस्टिगेट करने एक्वामैन वहां पर जाता है, लेकिन एक फोर्स फील्ड के कारण एक्वामैन उस शिप के साथ ही चिपक जाता है। तभी उस शिप के अंदर से एक पाइप निकलता है जो कि उस अटलांटिस सिटी के बबल के अंदर शेक करके उसके अंदर जहरीली गैस भर देता है, जिसके कारण उसके अंदर रहने वाले सभी अटलांटिस बहुत इफेक्ट होते हैं। तो एक्वामैन अपने दोस्त एक्वा लैड को अटलांटिस को वहां से बाहर निकालने को कहता है। एंड उस वक्त एक्वामैन का एक 5 साल का बेटा भी था, तो वो अटलांटिस का डॉक्टर उन सभी अटलांटिस के एक एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो हवा में भी सांस ले सकते थे पानी के बगैर। बट उस गैस के कारण मीरा बेहोश हो जाती है एंड एक्वामैन के बेटे को ब्लैक मैंटा किडनैप कर ले जाता है। तो एक्वामैन एंड एक्वालैड दोनों उसके पीछे जाते हैं एंड वो पहुंच जाते हैं एक इलेक्ट्रिक ईल के बैटल फील्ड में, जो की ब्लैक मैंटा का बनाया हुआ एक ट्रैप था। एंड तभी वो देखते हैं ब्लैक मैंटा की तरफ, जिसने एक्वामैन के बेटे को एक बबल के अंदर फंसाया हुआ था जिसमें से धीरे धीरे करके पानी ड्रेन हो रहा था एंड उसके अंदर हवा भर रही थी। एंड एक्वामैन का बेटा अभी सिर्फ 5 साल का था, तो वो अभी हवा में सांस नहीं ले सकता था, तो उसे सफोकेशन होने लगती है। तो ब्लैक मैंटा बताता है कि उसके पास ये बटन है जिसे दबाते ही वो पानी वापस बबल के अंदर भर सकता है, तुम्हारा बेटा बच सकता है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को लड़ना होगा एंड तुम में से जब एक मारा जाएगा तभी मैं ये रिमोट तुम्हें दूंगा। बट ये सब सुनकर एक्वालैड ब्लैक मैंटा पे अटैक करता है, बट ब्लैक मैंटा एक बटन दबाते हुए उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है एंड उसके बाद वो उन दोनों को लड़ने के लिए कहता है। एंड एक्वामैन बिना होल्ड किए एक्वालैड पे अटैक करता है एंड फिर बड़ी ही चलाकी से वो अपने ट्राइडेंट को उस बबल में दे मारता है, जिसके कारण वो बबल टूट जाता है एंड उसका बेटा उस बबल से बाहर आ जाता है। एंड ये सब होता देख ब्लैक मैंटा वहां से भाग निकलता है, बट जाने से पहले वो अपनी लेजर उस पूरी बैटलफील्ड में शूट करता जाता है एंड एक्वामैन ब्लैक मैंटा एंड उसकी गैंग का पीछा करता है, लेकिन वो सभी वहां से भाग निकलते हैं। एंड जब एक्वामैन उसके कुछ गुंडों को पकड़ कर वापस बैटलफील्ड में आता है तो वो देखता है कि अनफॉर्चुनेटली उसका बेटा भी मारा जा चुका है एंड अपने 5 साल के बेटे की मौत के गम में एक्वामैन नफरत से अंत हो जाता है और वो कसम खाता है कि वो ब्लैक मैंटा को मार डालेगा। एंड इसके बाद वो एक ऑक्टोपस को उसके बेटे की डेड बॉडी देकर कहता है कि इसे अटलांटिस लेके चलो एंड एक्वालैड को अपने साथ ब्लैक मैंटा का पीछा करने को कहता है। बट एक्वालैड कहता है कि अब सब कुछ चेंज हो चुका है, मैं जानता हूँ कि ये कंडीशन बहुत ही डिफिकल्ट थी, लेकिन तुम एक सेकंड के लिए भी मुझे मारने के लिए पीछे नहीं हटे और ये सब मुझे फील हुआ। जिस पे एक्वामैन कहता है कि मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर इतने सालों तक तुम्हें अपने साथ रखने का यही सिला मुझे मिला है तो यही सही, मैं ब्लैक मैंटा को अकेले ही ढूंढकर उसे मार डालूंगा। एंड इसके साथ वो ब्लैक मैंटा को ढूंढने निकल पड़ता है एंड जब ब्लैक मैंटा की टीम उसे मिलती है तो वो उस पर अटैक कर देती है एंड ब्लैक मैंटा एक्वामैन को पीछे से मारता है एंड पूरी पावर से उस पर अटैक करता है। एंड इसके बाद वो अपना फेस रिवील करते हुए कहता है कि मैं एक ब्लैक पर्सन हूँ और मेरा ब्लैक मैंटा नाम मैंने शौक से नहीं रखा। एंड फिर वो उसे बताता है कि ये सभी जो मेरे दोस्त है ये भी ब्लैक पर्सन है और हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हमें सरफेस पे वो इज्जत नहीं मिली जो हम डिजर्व करते थे, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं समंदर में अपनी इज्जत और नई जगह बनाने के लिए। तो सी जो ओरिजिनल ओरिजिन स्टोरी थी एक्वामैन की, उसमें वो अपने फादर की मौत का बदला नहीं बल्कि अपने जैसे लोगों के लिए अटलांटिस में जगह ढूंढने के लिए फाइट करता है। एंड इसके बाद अगेन ब्लैक मैंटा एक्वामैन को पीटने लगता है, बट एक्वामैन बड़ी इजीली अपनी सभी रस्सियां तोड़कर ब्लैक मैंटा पे अटैक करता है एंड उसे बहुत बुरी तरह से धोता है एंड अपने गुस्से के चलते वो उसे बहुत बुरी तरह से लगातार पीटता चला जाता है, जिसे देखकर ब्लैक मैंटा वहां से भाग निकलता है अपनी जान बचाते हुए। एंड इधर एक्वामैन के बेटे की डेड बॉडी अटलांटिस पहुंच चुकी है एंड जब मीरा को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है एंड वो रोने लगती है। एंड इधर निराश हुआ एक्वामैन वापस अटलांटिस पहुंचता है एंड उसके वहां पहुंचते ही मीरा उसका गला दबाने लगती है क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार एक्वामैन को ठहराती है एंड वो एक्वामैन से फाइट करने लगती है, बट एक्वामैन उसे समझाने की कोशिश करता है बट वो नहीं समझती, तो एक्वामैन उसे दूर फेंक देता है जिसके कारण उसे चोट लगती है एंड वो बेहोश हो जाती है। एंड इसके बाद मीरा भी एक्वामैन से नफरत करने लगती है एंड वो उसे छोड़कर चली जाती है। एंड अब एक्वामैन के पास ना उसका बेटा था ना उसकी बीवी एंड अभी वो निराश और गुस्से से भरा हुआ था एंड वो कसम खाता है कि अब वो ब्लैक मैंटा को मारे बगैर अटलांटिस में एंटर नहीं करेगा। एंड इसके बाद कॉमिक बुक में उनकी राइवलरी चलती रहती है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ ब्लैक मैंटा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड पसंद आए तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर न्यू हो, क्योंकि मैं ऐसी ओरिजिन स्टोरीज हर रोज लाता रहता हूँ। एंड नाउ आई विल सी यू माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।